गर्मियों का मौसम आ गया है, ऐसे में हम बॉडी को फ्रेश और हाइड्रेटेड रखने के लिए ठंडे ड्रिंक्स लेते हैं। आज मैं आपको घर में बाजार जैसे बनने वाली लस्सी की रेसिपी बताऊंगी, जिसे बनाना बेहद आसान है, साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके सेवन से इस चिलचिलाती गर्मी में आपको बेहद आराम मिलेगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गाढ़ी दही ली है। जितने भी ग्लास आपको लस्सी बनानी है उस हिसाब से दही लें, और इसे हम किसी ग्राइंडर में नहीं डालेंगे। इस तरह की मथनी की मदद से इस तरह हम दही को मथेंगे। तो इसे हम दोनों हाथों से हिलाते हुए इस तरह से दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। कभी भी लस्सी बनाने में ग्राइंडर का यूज़ नहीं करेंगे, वरना हमारी लस्सी गाढ़ी मार्केट जैसी नहीं बनेगी। फेंटने के लिए हम दोनों ही हाथों का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी दही गाढ़ी से थोड़ी पतली और स्मूथ हो गई है। सबसे पहले हम रूह अफ़ज़ा फ्लेवर की लस्सी बनाएंगे। तो फेंटी हुई दही में से जितनी लस्सी हमें बनानी है एक दूसरे बर्तन में डालेंगे, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिसी हुई चीनी डाल देंगे। 2-3 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आइस डाल देंगे। चाहे तो यहाँ पे आइस को क्रश करके डालें या फिर ऐसे डालें, और जैसे जैसे इसे हम मिक्स करेंगे चीनी भी मिक्स होगी और ये आइस से हमारी लस्सी भी ठंडी होती चली जाएगी। तो बहुत ही इजी तरीके से रूह अफ़ज़ा फ्लेवर की लस्सी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसे सर्व कर लेते हैं। सर्विंग ग्लास में लस्सी को सर्व कर लेंगे। सर्व करने से पहले इसमें 2 टेबल स्पून के करीब रूह अफ़ज़ा डालेंगे, और रूह अफ़ज़ा डालने में थोड़े से डिज़ाइन बना के डालेंगे ताकि ये देखने में अच्छी लगे। तो ये हमारी रूह अफ़ज़ा फ्लेवर वाली लस्सी तैयार है। आगे हम प्लेन वाली लस्सी बनाते हैं। प्लेन वाली लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले फेंटी हुई दही लेंगे, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे, साथ ही कुछ आइस के क्यूब्स डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी क्रश करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लस्सी बनानी बताई है, और ये आपको मार्केट जैसा ही फ्लेवर देगा। बस आपको दही गाढ़ी और फ्रेश लेनी है। ये प्लेन लस्सी भी हमारी तैयार हो गई है। इसे हम आप सर्व करते हैं। सर्विंग ग्लास में लस्सी को डालेंगे और इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स क्रश करके डाल देंगे। अगर आप घर में जमाई हुई दही से लस्सी बना रहे हैं तो दही के ऊपर मलाई को भी ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करें। मैंने यहाँ पर मार्केट वाली दही से लस्सी बनाई है, इसलिए बस ड्राई फ्रूट्स को ही यूज़ किया है। गार्निशिंग के लिए आप दूध की मलाई बिल्कुल भी यूज़ न करें, दही की मलाई ही यूज़ करें। अगर हम कुछ बातों का ख्याल रख लें तो हमारी लस्सी बहुत टेस्टी बनेगी। जैसे कि ग्राइंडर में कभी भी दही को ना फेंटे, पीसी हुई चीनी ही डालें और पानी की जगह आइस डालें। इस समर में मेरे तरीके से लस्सी ज़रूर बनाएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। मेरे चैनल हेल्दी किचन हट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आने वाले सारे वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ।